हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज हमारे पास ही मारुति सुजुकी न्यू स्विफ्ट जो आज हम लोग इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ये हमारा एलईडी मैट्रिक्स डी पिलर और हम लोग स्प्लिट किट लगाने वाले हैं इसमें, और इसके जो एलॉय है जो एलॉय भी हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो इसकी जो डी पिलर लाइट रहती है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसमें इंस्टॉल हो जाती है, और ये रहती है बिल्कुल विदाउट वायरिंग कटिंग इसमें जो इंस्टॉल होती है। और इसकी जो टेल लाइट है जो टेल लाइट पे भी हमने ब्लैक स्मोक फिल्म लगाई है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पे जो ब्लैक क्रोम भी हमने जो ब्लैक ब्यूटी क्रोम रहता है वो भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है ये हमारे डी पिलर का। ये डी पिलर हमारा बिल्कुल मैट्रिक्स लाइट में रहता है, जैसे आप कभी ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक में ऑन होगा, जैसे आप कभी इंडिकेटर देते हैं तो ये इंडिकेटर पे भी आपको ये ब्लिंकिंग करने लगता है, ये हमारा मैट्रिक्स एलईडी डी पिलर लाइट। और आप देख सकते हैं नीचे हमने इसमें बार एलईडी लाइट लगाई है, और यहाँ पे हम लोग स्प्लिट किट लगाने वाले हैं इस पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी अभी स्प्लिट किट लग रही है, और ये है हमारी आरएस फ्रंट ग्रिल, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रहती है हमारी ब्लैक पियानो फिनिश में रहती है, और ये हमारी जो स्प्लिट किट है ये भी हमारा ब्लैक पियानो फिनिश में रहता है, और ये जो हमारी जो फोगलेम एलईडी डीआरएल भी हमने लगाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है फोगलेम एलईडी डीआरएल का। और इसकी जो स्प्लिट किट की बात करें तो काफ़ी प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो जाती है इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं बीच वाला पोर्शन भी लग चुका है, और काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है हमारे स्प्लिट किट का, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी स्विफ्ट का, और स्विफ्ट में लगने पर काफ़ी प्यारा लुक आता है इसका स्प्लिट किट का। और ये भी हमारी ब्लैक पियानो फिनिश में रहती है, और ये भी हमारी एबीएस फाइबर में रहती है, जैसे कभी छोटे मोटे पत्थर टकराते हैं तो ये ब्रेक नहीं होती और ना ही ये टूटती है, क्योंकि ये एबीएस मटेरियल में रहती है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी रहती है। और ये हमारी आरएस फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये फिटिंग हो जाती है, ना ही इसमें कोई ड्रिलिंग करनी पड़ती है, और जैसे ओरिजिनल जो इसकी जो फ्रंट ग्रिल रहती है वाली आसानी से निकल जाती है, और ये वाली जो आरएस ग्रिल है जो फ्रंट वाली और ये भी बिल्कुल आसानी से फिटिंग हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका हमारी आरएस फ्रंट ग्रिल का, और काफ़ी प्यारा लुक आता है, और ये काफ़ी रीजनेबल रेट में रहती है। और इसकी जो हेडलाइट पे हमने वाइट कलर का जो विनाइल किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है हमारी हेडलाइट पे जो हमने जो विनाइल किया हुआ है, और स्प्लिट किट और हमारा जो एलईडी फोगलेम डीआरएल लगा हुआ है, और नीचे हमारी जो बार लाइट है वो भी काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है, वो जैसे ऑन होती है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एलईडी फोगलेम डीआरएल जो ऑन होता है तो काफ़ी प्यारा लुक आता है हमारी स्विफ्ट का, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें भी हमने मोको एलईडी हेडलाइट बल्ब लगाया हुआ है, और इसकी रोशनी भी काफ़ी बढ़िया रहती है यहाँ पे देख सकते हैं, और काफ़ी प्यारा लुक आता है हमारी स्विफ्ट का, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रोशनी भी काफ़ी बढ़िया रहती है। और ये हमारा एलईडी फोगलेम डीआरएल, और ये भी हमारा मैट्रिक्स में रहता है ये। और इसकी एलॉय की बात करें तो आप देख सकते हैं एलॉय हमारा कितना प्यारा लुक आ रहा है, ये बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है हमारे स्विफ्ट में, और काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो हम लोग जैसे कभी राइट टर्न राइट लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं तो ये हमारा जो डी पिलर लाइट है ये डी पिलर भी हमारा ये ऑन हो जाता है, और ये हमारी साइड स्प्लिट किट भी लग चुकी है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारी स्विफ्ट का। और पीछे भी हमने डिफ्यूज़र लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है डिफ्यूज़र का, और बिल्कुल एलॉय से काफ़ी प्यारा लुक आता है हमारी न्यू स्विफ्ट का, यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है।